$24 टू लीडर बोर्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस पेज को आपको दिखा दे रहा हूँ लीडर बोर्ड को ऑन करके कि ये एक लाइव अकाउंट है, कोई डेमो वगैरह नहीं, क्योंकि इसी जगह पर आप देखो मेरे यहाँ पर मैंने $24 की जो ट्रेड लिया लेफ्ट साइड पर आपको $24 माइनस दिखा रहा है। सो दैट मीन्स ये एक लाइव अकाउंट है एंड आज की इसी लाइव अकाउंट पर, ठीक है, ये बस ओनली $24 जो डॉलर है, छोटा सा एक अमाउंट, इस अमाउंट से हम लीडर बोर्ड पर चला के आपको दिखाऊंगा कि येस यू कैन ऑल्सो कम हेयर। सो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप आपकी फुल बैलेंस की लगाओ, मैं बोलूँगा आप आपकी जितना कैपिटल है उसकी 5 to 10% अमाउंट से ट्रेड लो एंड कंपाउंडिंग ना करो। बट मैं आपको मेरे जो स्ट्रेटेजी इसके ऊपर कितना भरोसा है ये दिखाने के लिए मैं आपको कंपाउंडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेड हमने ले लिया था एंड यहाँ पर जो ट्रेड लिया था ये तो विन हुआ, तो वीडियो एक्सप्लेन करते करते फर्स्ट ट्रेड चला गया खत्म। सो उसके बाद हम आपको नेक्स्ट जो ट्रेड है इसको दिखाता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड की टाइम हमको ओवर हो गया था, तो यूरो USD जो करेंसी है, तो इसी जगह पर आप देखो मैंने यहाँ पर $40 की नेक्स्ट ट्रेड ले लिया आप डायरेक्शन पर, ठीक है। सो फर्स्ट ट्रेड जो कंप्लीट हुआ $26 की या $24 की लिया था, उसके बाद हमको $46 की टोटल कैपिटल हुआ। सो इसी जगह पर हमने $40 की एक आप की ट्रेड ले लिया एंड यहाँ पर आपकी ट्रेड ले लिया कि अब भाई नॉर्मल बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। आप लेफ्ट साइड पर मैंने देखो इसके नीचे मैंने एक बॉक्स को ड्रॉ किया, ठीक है। तो इस बॉक्स को मैंने ड्रॉ किया था क्योंकि लेफ्ट साइड पर जिस जगह से मेरा इस बॉक्स की स्टार्टिंग है वहाँ पर देखो 4-5 कैंडल एक ही जगह से रिवर्सल ले लिया था, ठीक है। तो मार्केट देखो एक ही जगह से अगर इतने सारे कैंडल रिवर्सल लिया दैट मीन्स वहाँ पर तो भाई प्रेशर तो ऑब्वियसली है एंड ओनली फॉर दिस रीजन मैंने वहाँ पर ट्रेड लिया था। एंड उसके बाद सेकेंड टाइम देखो हमको एक और भी अच्छा खासा जगह मिल रहा है अभी एंड वो है कि भाई EURUSD करेंसी पर हमको लेना है डाउन की ट्रेड। एंड यहाँ पर भाई डाउन की ट्रेड लेने की जो रीज़न है ये मैं बोलता हूँ, ये मैंने बहुत वीडियो पर दिखाया, पहले भी दिखाया, अभी भी दिखा रहा हूँ, अगेन आप ध्यान से सुन लेना। एंड लीडर बोर्ड पर अगेन खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर देखो जो लीडर बोर्ड पर है यहाँ पर भाई ऑब्वियसली हम रियल लाइव ट्रेडर है, तो इसीलिए मैं लीडर बोर्ड दिखाता हूँ, अदरवाइज लोग ये भी नहीं दिखाते। तो देखो ये पर मैंने जो ट्रेड लिया $80 की डाउन ट्रेड, ये क्यों लिया? सो मैं ऑलवेज बोलता हूँ देखो मार्केट अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप चल रहे, ठीक है, समझो कि मार्केट लॉन्ग टाइम के लिए आप चल रहे या लॉन्ग टाइम के लिए डाउन चल रहे, उसके बाद उसी टॉप पॉइंट से जो यू बना के रहते हैं ना, आई मीन थोड़ा नीचे आके अगेन जब उसी जगह पर जाते हैं, ठीक है, मेरे बात सुनना, लॉन्ग टर्म के लिए आप देना छोटा सा एक यू टाइप या वी टाइप बनाकर अगेन जब सेम जगह पर आएगा मार्केट उसी जगह से पक्का एक रिवर्सल ट्रेड देगा, ठीक है। ये भाई श्योर शॉट आप लिख के एंड आप इस जगह पर ट्रेड ले सकते हो, बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिलेगा। तो वो जगह पर चला गया एंड हमारा लीडर बोर्ड पर आप देख ही सकते हो $123.52 की प्रॉफिट चला है। छोटा नहीं भाई, बहुत बड़ा है। $24 से हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, बट आज हमारा टारगेट है इसको कि लीडर बोर्ड पर लेने के लिए हम देखूंगा हम कितने देर तक कर सकते हैं एंड अगर पर ना पर वो तो मैं बात के बाद में ऑल स्टार्ट करूँ। एंड इसके बाद EURUSD जो करेंसी है पर हम वेट करो कि ये जो कैंडल है ये एक रेड पर क्लोजिंग दे दे। हाँ भाई ये रेड तो बनने की नाम और निशान नहीं देख रहा है, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये एक रेड कैंडल बन जाए क्योंकि उसके बाद मुझे एक ट्रेड था, तो कोई नहीं, ये ट्रेड भी ग्रीन पर ही खत्म दिया, रेड पर नहीं हुआ। सो इसीलिए हमने चार्ट को चेंज किया एंड AUDCHF करेंसी पर मैंने ले लिया एक छोटा सा डाउन की ट्रेड, छोटा सा नहीं, यहाँ पर $120 की एक डाउन की ट्रेड लिया है ना। बट यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड क्यों लिया? यहाँ पर मैंने डाउन की ट्रेड लिया मार्केट पर, तुम अगेन देखो लेफ्ट साइड पर मार्केट जिस जगह से डाउन स्टार्टिंग हुआ था अगेन ऊपर गया, लाइक वी शेप बना, ठीक है, पहले नीचे आया देन ऊपर गया। बट मार्केट जिस जगह पर मैंने अभी ट्रेड लिया इसकी लेफ्ट साइड पर मार्केट इसी जगह से एक बार और नीचे आया था, ठीक है। तो मार्केट पर आपको बस OTC मार्केट है भाई, बस इसी तरीके से आप लोग बस ये फाइंड करो मार्केट कब इसके प्रीवियस लेवल को फॉलो करते। देखो ट्रेड लिया सेम लेफ्ट साइड पर इसी जगह से मार्केट को नीचे, तो बोलोगे भाई हम बॉडी पर देखूंगा वीक पर देखूंगा, तो अगर आपको मल्टीपल वीक मिले देन वीक पर देखना, अगर बस एक बार एक कैंडल था देन वहाँ पर आप बस बॉडी को देख के ट्रेड ले लेना, ट्रेड आपको श्योर शॉट विन हो जाएगा। एंड उसके बाद इसी कैंडल अगर एक बड़ा सा ग्रीन बना दे रहा, हम नेक्स्ट के लिए ग्रीन पर चला जाऊँगा। अगर ये कैंडल हमको रेड मिल जाए या हाँ इस कैंडल अगर रेड को मिले देन भी हम ग्रीन लूँगा, अगर ये कैंडल बड़ा ग्रीन बन के प्रीवियस रेड के ऊपर चला जाए देन भी आप ग्रीन ले सकते। तो उस जगह पर तो भाई टाइम खा रहा है, तो इसलिए हमने चार्ट को चेंज किया एंड यहाँ पर बस हम चार्ट देख रहे हैं कि नेक्स्ट हम कौन सी करेंसी पर ट्रेड ले सकते हो। एंड वीडियो 4 मिनट 30 सेकेंड बन चुका है, ठीक है। मैं एवरी वीडियो पर 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट पर बोलता हूँ, बट आज मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ वो भाई 4 मिनट के बाद बोल रहा हूँ, क्योंकि आई नो वीडियो पर स्टार्टिंग टाइम पर बहुत सारे फेक ऑडियंस था। बट अभी जो बंदा देख रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमको भाई तुम्हारा लाइफ की कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि तुम तुम्हारा लाइफ की एक न्यू स्टेप पर चलाए एंड यहाँ पर तुम न्यू कुछ चीज़ें करने के लिए अभी तक वीडियो को देख रहे हो। सो ओनली फॉर यू एंड आपके लिए मैंने एक न्यू चीज़ लेके आया मार्केट पर, जो मेरे पहले कोई कभी किसी ने नहीं लिया था या किया था। और वो है कि भाई देखो, आप में जान दो, आप कंपाउंडिंग किया बहुत लोगों के पास, बहुत लोगों की सिग्नल है, उसके बाद लॉस करो, अभी लॉस रिकवरी करने के चक्कर में और लॉस बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैंने एक न्यू कम्युनिटी बनाया, एंड मेरे कम्युनिटी पर भाई लॉस नहीं होगा। एंड भाई लॉस नहीं होगा इसका मतलब क्या होता है, वो लोग यार भाई तो बंदा गॉड नहीं होता। तो मेरे कम्युनिटी पर मैं ऐसे मनी मैनेज करके आपको ट्रेड दूंगा कि अगर आपकी बैलेंस लॉस चला जाए, जीरो हो जाए, मेरे सिग्नल को मेरे सिग्नल में जो आपको दूंगा उसको कॉपी करने के बाद अगर आपकी बैलेंस जीरो हो जाए देन आपको डबल मनी बैक मिल जाएगा इंस्टेंटली। एंड भाई मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ क्योंकि भाई लॉस नहीं होना। एंड अभी तो बहुत लोग बोलेगा अरे भाई तेरे कौन सी फ़ायदा है हमको रिफंड देने में। सो देखो दुनिया कोई भी बंदा भाई खुद की प्रॉफिट के बिना नहीं चलते, तो मैं भी खुद की प्रॉफिट के बिना नहीं चल रहा हूँ। एंड मेरा प्रॉफिट क्या है, अभी बोलो के बारे भाई तेरे प्रॉफिट क्या है, तो भाई हमको बस डबल मनी दे रहा है। नहीं भाई, आप जो प्रॉफिट करोगे, लाइक अगर आपने $1000 की एक प्रॉफिट बनाया था, ठीक है, $1000 की आप जो प्रॉफिट बनाओगे उस प्रॉफिट की मनी से 10% मनी मुझे हिसाब करके देना होगा एट द एंड ऑफ द वीक, ठीक है। लाइक अगर आपकी लॉस चला जाए देन डबल मनी बैक मिल जाएगा, बट अगर आपको प्रॉफिट हो जाए उस प्रॉफिट से 10% मनी मुझे देना होगा। अगर आप एग्री करते हो देन आ सकते हो, अगर एग्री ना करते हो ना आओ, कोई इशू ही नहीं है इस पर। सो USD BRL करेंसी पर हमको अभी एक छोटा सा ट्रेड मिलता है। एंड आप देखा कि पिछले टाइम नेटवर्क इशू के लिए हमारा चार्ट यहाँ पर अटक गया था। सो कोई नहीं, हम यहाँ पर जो ट्रेड लिया $50 करके चार ट्रेड, ये ट्रेड हम ये चीज़ तो बोल सकते हैं 110% ग्रीन के साथ ख़त्म होगा। एंड यहाँ पर बोलोगे कि भाई यहाँ पर ग्रीन क्यों ख़त्म होगा। सो देखो मार्केट एक स्टेबल पॉइंट पर था, एक छोटा सा जगह के अंदर ट्रैवल कर रहा था, उसके बाद दो रेड कैंडल बना, ठीक है। लाइक मेरे बात सुनो, मेरे भाई कोई स्ट्रेटेजी जो होते है ये होते मार्केट की भाई मूवमेंट को देख के मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है। तो देखो दो रेड बना, उसके बाद एक ग्रीन बना, बट वो ग्रीन पावरफुल नहीं था। सो दैट मीन्स यहाँ पर रेड की बार स्टार्ट होना चाहिए था। तो अगर नेक्स्ट वाला कैंडल वो जो छोटा ग्रीन बना, अगर वो छोटा ग्रीन ना बन के छोटा रेड बन जाते ना, देन हम जाते हैं डाउन के लिए। बट वो जो कैंडल बना वो छोटा सा कोई रेड नहीं बना, वो बना डायरेक्टली छोटा सा एक ग्रीन कैंडल। सो ओनली फॉर दिस रीज़न हमने यहाँ पर लगाया है ग्रीन की ट्रेड। एंड यहाँ पर हमने टोटल 2 मिनट की ट्रेड लगाया, क्योंकि अगर छोटा मोटा, ठीक है, लाइक यहाँ पर जो पिछले वाला कैंडल था वो छोटा सा कैंडल था, बहुत स्मॉल कैंडल था। तो अगर एक्सीडेंटली वो छोटा कैंडल हमारा रेड भी देते, बट नेक्स्ट कैंडल हमको ग्रीन ही चाहते, क्योंकि ग्रीन वाला जो प्रेशर है वो अभी तक खत्म नहीं होगा। हाँ मार्केट थोड़ा बहुत फॉल किया, बट ये फॉल प्रीवियस टाइम पे भी किया था, बट प्रीवियस टाइम पर जब भी मार्केट छोटा छोटा फॉल किया उसके बाद बड़ा बड़ा ग्रीन आके उसको रिकवर कर लिया। सो इस चीज़ को देख के मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया। एंड आई नो आज की वीडियो जो था ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। एंड मैं ऑलवेज जो काम करता हूँ भाई, देखो मैं जब ट्रेड लेता हूँ ना तब भाई इसको रिकॉर्ड करके रखता हूँ एंड उसके बाद वॉइस दे देता हूँ। सो देखो मैंने उसी टाइम जो चीज़ को सोच के ट्रेड लिया था, अभी बस वही ट्रेड आपको एक्सप्लेन किया। एंड आई होप आपने समझा, अगर नहीं समझा कोई इशू नहीं है, इससे बहुत ईजी ईजी वीडियो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है। आई नो ये मेरे चैनल के मे बी मोस्ट हार्ड वीडियो है, ठीक है, कोई इस पर क्या बोल सकते हो, सॉरी फॉर दैट, बट वीडियो के टाइम भी बहुत बढ़ चुका है। एंड मेरे इंटरनेट कनेक्शन भी थोड़ा इशू दिखा रहा है, तो इसीलिए इस पर और कोई ट्रेड नहीं लिया था इसी टाइम मैंने। सो अगर आप सीरियसली आपकी लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो देन आप मेरे टेलीग्राम चैनल को चेक कर सकते हो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ज्वाइन करो, आप बस एक बार चेक करो, नीचे लिंक है। एंड अगर आपको अच्छा ना लगे देन ज्वाइन ना होना, एंड अगर अच्छा लगे देन ज्वाइन हो जाना। सो थैंक यू वेरी मच।